हाँ छोटे भाई, ठीक है, तुम्हारी चेक क्लियर हो गई। मेरे अकाउंट में 10 लाख आ गए हैं और रात में पार्टी आज मेरी तरफ से। आ जाना, ठीक है, आ जाना हवेली पे। अरे जॉन भाई। हाँ भाई। भाई पैसे होंगे कुछ? समंदर से पूछते हो पानी है। अरे बहुत पैसा है, बताओ तुम्हें कितने चाहिए? भाई 10,000 चाहिए, दवाई लेना थी कुछ। अगले हफ्ते मैं वापस कर दूंगा आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, ले लो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं 10,000 के बदले 20,000 लूंगा। मतलब ब्याज? कैब भाई, अरे कुछ पैसे होंगे, उधार चाहिए थे। भाई पैसे मेरे पास तो नहीं है, मगर आजकल जॉन के पास बहुत पैसे हैं। तुमने जॉन से मांगा क्या? भाई मैं गया तो था, मगर उसने ब्याज मांग लिया। ब्याज मांग लिया? आओ तुम मेरे साथ आओ। पैसा चला रहा हूँ जॉन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ब्याज लेने लगे हो। क्या करूँ भाई, बिजनेस है भाई, मेरा पैसा मेरी मर्जी। अच्छा तुम्हारा पैसा तुम्हारी मर्जी, लगता है तुम्हें मरना नहीं है। फिलहाल मैं एक नसीहत दे रहा हूँ, लेते जाओ। दुनिया में तुम चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, मगर याद रखना कब्र में तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, अपने माल का भी और अमाल का भी, समझे क्या? ब्याज हराम है एक मुसलमान के लिए। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो जरूर इस वीडियो से नसीहत ले और आज ही से ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों बंद करें, वरना कब्र की उन अंधेरी रातों का खौफनाक मंजर क्या होगा खुद ही सोच ले।